मुस्लिम देशों को अपने साथ लाने की कोशिश में पुतिन। नेटो मुल्क तुर्की को भी अपने साथ लाने की कोशिश की जा रही है। रूस, तुर्की, सीरिया, ईरान के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात। आज मॉस्को में मिलेंगे चारों देशों के रक्षा मंत्री। तो देखिए, रूस लगातार मुस्लिम मुल्कों को साधने की कोशिश कर रहा है, अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है, और हमने देखा है इस जंग में ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी से कितनी हेल्प मिली है रूस को यूक्रेन के खिलाफ। इस जंग में ड्रोन्स जो मिले हैं वो कितने कारगर साबित हुए हैं, ये लगातार मैदान जंग से आ रही तमाम खबरें तस्दीक करती हुई नजर आती हैं। लेकिन अब जो नई स्ट्रैटेजी नजर आ रही है पुतिन की, वो बड़ी खास है। पुतिन की नई रणनीति, मुस्लिम देशों से दोस्ती। जी हाँ, ये स्ट्रैटेजी फिलहाल नजर आ रही है। यूक्रेन के साथ युद्ध में पुतिन की ये नई रणनीति सामने आई है, जिसमें मुस्लिम देशों को साधने की कोशिश कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। मुस्लिम देशों को अपने पाले में लाने की कोशिश रूस कर रहा है। अब ये मुल्क हैं कौन कौन से, ये भी जान लीजिए। पहला नाम तुर्की का, दूसरा ईरान का, तीसरा सीरिया का। इन तीनों के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस, तुर्की, ईरान, सीरिया के रक्षा मंत्रियों की यही वजह है कि एक बहुत अहम मुलाकात हुई है मॉस्को में। इस मीटिंग में रूस यूक्रेन जंग पर बात होगी, ये कयास लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम देशों का साथ आखिर इतना जरूरी क्यों है, ये भी जान लीजिए। जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं पश्चिमी देश, तमाम वेस्टर्न कंट्रीज, नेटो कंट्रीज मिलकर यूक्रेन के साथ नजर आ रहे हैं। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से यूक्रेन को लगातार हथियार मिल रहे हैं, तमाम अत्याधुनिक हथियार जो है वो मुहैया कराए जा रहे हैं यूक्रेन को। ऐसे में रूस को मजबूत सहयोगी देशों की जरूरत है, और यही वजह है कि मुस्लिम देशों की तरफ अब रूस देख रहा है। पश्चिमी देशों से टक्कर के लिए मुस्लिम देशों के साथ की जरूरत है। ईरान और सीरिया पहले से ही रूस के साथ हैं, ये हमने लगातार देखा है। हालांकि ईरान ने कभी खुलकर इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ईरान रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन अब कुछ और मुस्लिम देश आने वाले वक्त में रूस के साथ हो कोशिश की है। ईरान और तुर्की कौन किसके साथ है, ये देखिए। ईरान जंग में रूस के साथ है, तुर्की जंग में तुर्की के साथ है, और ईरान रूस को हथियार दे रहा है, तुर्की यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है। ईरान रूस को ड्रोन दे रहा है, तुर्की यूक्रेन को ड्रोन दे रहा है। तो ये देखिए कौन किसकी तरफ है, ये इससे साफ पता चलता है। ईरान से शाहिद 136 ड्रोन्स मिले हैं, और तुर्की से बायरख्तार TB2 ड्रोन मिल रहे हैं रूस को। तो ये अपने आप में बहुत अहम जानकारियां, और ये बताता है कि तुर्की पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आ रहा है, और ईरान कहीं ना कहीं रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है, और ईरान के ड्रोन्स बहुत कारगर साबित हो रहे हैं मैदान जंग में। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पीके घोष नेवल एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और अम्बेसडर जेके त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले द्विवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज की तारीख में जंग के जो सूरत हाल नजर आ रहे हैं उसमें रूस को मुस्लिम देशों की कितनी जरूरत नजर आती है, और अगर ये साथ मुमकिन हुआ तो जंग में बदलते हुए क्या देखेंगे? देखो, आज 24 फरवरी को जंग शुरू हुआ था जी, तो 14 महीने हो गए हैं। बिल्कुल, आपने सूरत हाल का प्रश्न पूछा है। मुझे लगता है कि हमारा अंदेशा था कि अभी रशिया जो है ये बड़ा एक ऑफेंसिव करेगा, समर ऑफेंसिव या स्प्रिंग ऑफेंसिव, पर जो हालात नजर आ रहे हैं तो रशिया अभी थोड़ा रक्षात्मक रवैया अपनाए हुए है, और यूक्रेन जो है वो आक्रामक दिख रहा है। और मुझे लगता है कि इस समय पुतिन साहब जो है वो ज़्यादा लड़ाई मेज पर, यानी कि डिप्लोमेटिक करीने में लड़ रहे हैं, और जाके जमीन पर, क्योंकि जमीन पर कई नेटो देशों के अंदर दोफाड़ करने की कोशिश तो नहीं है? देखो, नेटो देश जो है इस समय एकजुट है, इसमें तुर्की का जो है इसका बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि वो नेटो का सदस्य है। तो वो दो तरफा चल रहा है, एक तरफ तो यूक्रेन, लेकिन अगर तुर्की कोई तोड़ के अपने साथ ले आए तो फिर
देखो तुर्की नहीं टूटेगा क्योंकि तुर्की जो है नेटो का संस्थापक सदस्य में से सदस्य है और उनकी एक चाहते हैं कि हम EU में भी शामिल हो जाएं। ठीक है, तो वो एक बहुत ही लेकिन एक इनिशियल स्टेप तो यहाँ नजर आ रहा है। अगर इस टेंशन के समय में तुर्की का एक रिप्रेजेंटेशन अगर रूस के अंदर है तो, और देखिए अवदीका में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग की तस्वीरें सामने आई है। यूक्रेनी सेना ने रूसी ठिकानों को निशाना बनाया है। बमबारी के बाद पूरे इलाके में आग लग गई। तस्वीरें है, देखिए किस तरीके से इस हमले के बाद से धुएं और आग की लपटें उठती नजर आई। ये देखिए तस्वीर। की ये लेटेस्ट तस्वीरें सामने आ रही हैं। त्रिपाठी सर, पिछले सवाल पे ही लौटते हैं, ये जो कोशिश हो रही है एक नए अलायंस को बनाने की, खासकर मुस्लिम देशों को अट्रैक्ट करने की, एक फैक्टर तो ये भी है कि जो मुस्लिम देश हैं बाय एंड लार्ज वो अमेरिका को पसंद नहीं करते हैं। क्या ये चीज एक मदद करेगी रूस को उनके अपने पाले में लाने के लिए? देखिए ये चीज़ तो मदद करेगी, उसके साथ ही साथ ये भी बात है कि मुस्लिम देशों में से कई देश जो हैं वो अमेरिका के खिलाफ भी हैं, जैसे सीरिया आप कह सकते हैं, ईरान आप कह सकते हैं, वो पसंद करने की बात नहीं, उनके दुश्मन दुश्मन। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ देखिए, मुस्लिम देशों को साथ में लाने की इस कवायद में ये भी है रूस का हो कि रूस अपने तेल बेचना चाहता है तेल। अब देखिए पाकिस्तान को रूस ने कह दिया है कि पाकिस्तान को भी हम कंसेशनल रेट पे बेचेंगे। इसके साथ ही सऊदी अरेबिया ने अमेरिका की इस बात से, इस इंस्ट्रक्शन से इनकार कर दिया कि प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। तो मुझे नहीं पता ये सवाल कितना सही है, लेकिन अगर इन मुस्लिम देशों को, खासकर जो अमेरिका के खिलाफ हैं, उनको साथ लाने में कहीं एक टेररिज्म का कोई डोर ओपन तो नहीं हो जाएगा, उसके लिए कोई रूट तो तैयार नहीं हो जाएगा फ्यूचर में? नहीं, मेरे ख्याल से अभी ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी फिलहाल एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके लिए कोई फिलहाल तो नहीं, अभी निकट भविष्य में ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं है, क्योंकि निकट भविष्य में मुस्लिम देश भी अभी यही चाहते हैं कि अभी अमेरिका को खात्मा किया जाए। स्पेशल मिशन पर यूक्रेन के पैरा ट्रूपर्स नजर आ रहे हैं। MI-8 हेलीकॉप्टर से अटैक की ट्रेनिंग का एक नया वीडियो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से छलांग लगाते दिखे यूक्रेनी पैरा ट्रूपर्स। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। 30 अप्रैल को अटैक से पहले पैरा ट्रूपर्स को कैसी जोरदार ट्रेनिंग दी जा रही है, ये देखिए। 30 अप्रैल को रूस पर अटैक की तैयारी में है यूक्रेन, ये खबरें सामने आ रही है। और ऐसे में ट्रेनिंग किस पैमाने पर चल रही है ये देखिए। तो यूक्रेनी पैराट्रूपर्स की तैयारी है 30 अप्रैल से पहले, क्या ये बहुत ज्यादा विध्वंसकारी होने वाली है? 30 अप्रैल को रूस पर हमले का प्लान तैयार है, जल नभ और जमीन से अटैक की तैयारी है क्या? यूक्रेनी पैराट्रूपर्स की ट्रेनिंग का ये वीडियो आपके सामने है। यूक्रेनी सेना के पैराट्रूपर्स ने यह ड्रिल की है, MI-8 हेलीकॉप्टर से कूदकर अटैक की ट्रेनिंग की गई है, दुश्मन के ठिकाने तबाह करने की ड्रिल की गई है। राजेश सर, ये क्या 30 अप्रैल से पहले की तैयारी है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा है? अभी तो माहौल बनाया जा रहा है, जैसे आपके पिछले प्रोग्राम पे भी मैंने कहा था, कोई डेट तय करके और अटैक नहीं करता है, वो तो अपनी पूरी इंटेलिजेंस देने का एक तरीका है। लेकिन जो काउंटर ऑफेंसिव है वो जरूर आएगा, क्योंकि निप्रो नदी पे उन्होंने ब्रिजहेड बना लिया है, उन्होंने क्रॉस कर लिया है, एक ब्रिजहेड बनाया है, वहाँ से अपने वो लॉजिस्टिक्स तैयार करेंगे और उसके बाद वो काउंटर अटैक ज़रूर करेंगे। उन्होंने कहा था कि ये काउंटर अटैक होगा, जो टैंक्स लेपर्ड और चैलेंजर टैंक्स उनके पास पहुंचने शुरू हो गए हैं, छोटे नंबर्स में हैं अभी, लेकिन पहुंचने शुरू हो गए हैं, तो उनके पास जो है काउंटर ऑफेंसिव के लिए रिसोर्सेज जो हैं वो तैयार कर रहे हैं, ब्रिजहेड भी उन्होंने बना लिया है। तो अब देखते हैं कि कौन सी तारीख को वो काउंटर अटैक करेंगे। आप मानते हैं कि ये काउंटर अटैक होगा, तारीख भले ही उसकी अभी बहुत क्लियर ना हो। वहीं बाखमुत से अहम खबर है। बाखमुत की जंग पर वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का दावा, बाखमुत पर कब्जा होते ही यूक्रेन लेगा बदला, ये कह रहे हैं येवगेनी।
बाखमुत हारते ही जेलेंस्की रूस पर अटैक कर देंगे, येवगनी प्रिगोजिन का ये ताजा बयान। बाखमुत की हार के बाद जेलेंस्की के लिए बड़ी जीत जरूरी है। बाखमुत में दोनों तरफ से भीषण हमले हो रहे हैं, तो वैगनर फोर्सेस के सिर सहरा बनता हुआ नजर आ रहा है बाखमुत का। लेकिन येवगनी प्रिगोजिन के जो बयान हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बाखमुत में विध्वंसक तस्वीरें सामने लगातार आ रही है और बाखमुत की लड़ाई बहुत लंबी चली है। देखिए, बाखमुत में यूक्रेनी सेना और वैगनर की जंग चल रही है। बाखमुत पर अभी किसी का पूर्ण रूप से कब्जा नहीं हुआ है। रूस का दावा है 80% इलाके पर नियंत्रण है, कब्जा है। वैगनर को डर है कब्जा किया तो यूक्रेन विध्वंसक हमला करेगा। रूस के लिए बाखमुत क्यों अहम है ये भी समझ लीजिए। डोनबास पर कब्जे के लिए बेहद जरूरी पॉइंट है ये। पूर्वी यूक्रेन फतह करने के लिए बाखमुत जरूरी है। पूर्वी यूक्रेन से पश्चिम की ओर जाना इससे आसान हो जाएगा। बाखमुत से रूस की सप्लाई लाइन को भी मजबूती मिलेगी। तो ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हासिल होंगे रूस को। लेकिन सर, बाखमुत एक चैलेंज बना हुआ है बावजूद इसके कि वैगनर ने पूरी ताकत लगाई, रूस ने पूरा उसमें फोर्स लगाया। एक लंबा समय हो गया और एक लंबी लड़ाई के बाद आपको क्या लगता है, कब्जा करना और कठिन हो जाता है क्या? देखिए, ये बाखमुत एकदम खंडहर बन गया है। दोनों तरफ इस बाखमुत को लेने के लिए एकदम जी जान लगा दे रहे हैं। मैं तो कहूँगा ये एक ईगो वॉर हो गया है। एक तरफ से पुतिन दिखाना चाहता है, देखिए बाखमुत हमारे पास आ गया, उसने वो झंडा भी फहराया था रात को, और दूसरे तरफ ये यूक्रेनियन कह रहे हैं कि हम बाखमुत को नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या सर, दोनों का नुकसान बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए पीछे हटना मुश्किल है? जी हाँ, अब ये बहुत मुश्किल हो गया है। और वैगनर ग्रुप जो है उसने ये ठान लिया है कि ये लेंगे ही। लेकिन और एक बात मैं कह दूं, जो वैगनर ग्रुप के जो प्रमुख हैं वो अपने जो स्टेटमेंट्स देते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो रूस के MOD के स्टेटमेंट्स हैं। वो इसलिए ताकि बाद में रूस ये कह सके, देखिए हमें तो वैगनर ग्रुप से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि वो पूरा वैगनर ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका सब फाइनेंस कर रहे हैं। तो देखिए, और डोनबास रीजन का जिक्र हो रहा है, डोनबास के डोनेस से ही अहम खबर है। डोनेस में रूसी ठिकानों पर भीषण हमला हुआ है। यूक्रेनी अटैक में रशियन टैंक्स पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गए। यूक्रेन ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से यहां कैसे हमला किया, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। अंबेसडर त्रिपाठी, लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन के बयान का भी जिक्र हुआ, प्रिगोजिन कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं ये भी जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि वो रूस की तरफ से नहीं यूक्रेन की तरफ से बोल रहे हैं। बार बार ये कहते हैं कि और सेना भेजिए, नहीं तो एक बार फिर बाखमुत पर पूरी तरह से यूक्रेन का कब्जा हो जाएगा, यूक्रेन विध्वंसकारी हमले कर देगा अगर हम 20% और आगे बढ़ते हैं बाखमुत के अंदर। तो इस तरह के बयानों का क्या मतलब है, जबकि उनकी खुद की फोर्स, रूस की जो प्राइवेट आर्मी है वैगनर फोर्स, वो बाखमुत में लड़ाई लड़ रही। ठीक है, प्रिगोजिन के इसके ये कहने के दो वो हैं, मकसद हैं। एक तो ये है कि प्रिगोजिन रशियन आर्मी को, रशियन डिफेंस फोर्सेस को ये दिखाना चाहते हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने जरूरी हैं। और दूसरा ये कि वो ये क्योंकि बाद में उन्हें नेगोशिएट करने में आसानी होगी, दूसरा ये वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो आप कीजिए, नहीं तो क्या होगा कि अगर खुदा न खास्ता अगर बाखमुत में हार गया रूस तो अपनी इनकी जिम्मेदारी नहीं होगी कि देखिए मैं तो हम तो कह रहे थे पहले। अच्छा, से क्या थे साहब, ये कैसे अलग करके हम देख सकते हैं, एक तरफ रशियन फोर्स और दूसरी तरफ रूस की प्राइवेट आर्मी यानी वैगनर फोर्स, अलग करके देखा जा सकता है क्या? देखो, अलग करके भी देखा जा सकता है और एक आप एक ही लेंस से देख सकते हैं। इसमें दो चीजें, सबसे पहले तो बाखमुत है ये स्ट्रेटजिकली पॉलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा है इसमें जो अहम भूमिका है वो वैगनर की रही है, रशियन आर्मी सपोर्ट में रही है। बिल्कुल, और वैगनर पूरा अपना क्रेडिट लेना चाहती है, और उनके ये भी अंदेशा है कि यूक्रेन का पलटवार होगा, क्योंकि जो बाखमुत अब तक गिरा नहीं है 20-25, यानी कि वहां की ग्राउंड रियलिटी येवगेनी के बयान से समझा जा सकता है। अगर वो कह रहा है कि बाखमुत पर पूरी तरीके से कब्जा नहीं हुआ है, तो फिर पुतिन जो कह रहे हैं वो झूठ है। देखो, आप दोनों तरफ से इसको मोड़ सकते हैं।
अगर 80% कब्जा आपका हो गया तो आपकी जीत है, अगर 25% नहीं गिरा तो यूक्रेन की भी जीत है, तो आप पलट सकते हैं। एक पॉइंट मैं बताने जाता हूँ, ये पैरा ट्रूपर का, मैं खुद पैरा ट्रूपर हूँ, अभी आप देखेंगे जब अगली लड़ाई होगी तो पैरा एयरबोर्न फोर्सेस का और मैकेनाइज्ड फोर्सेस का बहुत ही अहम भूमिका होगी, क्योंकि पैरा ट्रूपर जो है एयरबोर्न फोर्सेस वो गेम चेंजर होते हैं। जी बुलेदर में यूक्रेन के काउंटर हमले तेज हो गए हैं, रूसी कब्जे वाले इलाकों में ये अटैक हो रहा है, रिमोट फायरिंग सिस्टम से यहां पर गोलीबारी हो रही है, शबलिया वेपन से यूक्रेन की ये गोलीबारी वहां पर की जा रही है। राजेश सर, जिस बात की चर्चा भी हो रही थी वैगनर चीफ की, अगर वो कह रहे हैं कि वहां अगर बाखमुत में पूरा कब्जा होगा तो ज़ेलेंस्की सीधे रूस पर अटैक करेंगे, यानी कि जो रूस का दावा अभी तक है कि हमने इस इलाके पर कब्जा कर लिया है, वो दावा पूरी तरह से सत्य नहीं है। नहीं, जैसे जनरल त्रिवेदी ने बताया कि अगर 80% है तो रूस वैगनर का कब्जा है, और ये जो ईगो वॉर हो रही है, वो जो 20% है, अगर एक बार वहाँ से यूक्रेन विड्रॉ करता है तो नेसेसरली वो, क्योंकि इतनी देर वहाँ लड़ा है तो एक काउंटर अटैक तो ज़रूर करेगा। तो अब वो काउंटर अटैक कहाँ पे आएगा, कैसे करेगा, क्या ये काउंटर अटैक जो है, जो ओरिजिनल उनका जो समर ऑफेंसिव उन्होंने सोचा था, जिसके लिए वो रिसोर्सेज इकट्ठे कर रहे हैं, उसके साथ कम, लेकिन बीच बीच में येवगेनी ये भी कहते रहे हैं कि हमें फुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो तो लड़ाके मारे जा रहे हैं, हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हथियार भी कम पड़ रहे हैं। देखिए, जिसकी भी कैजुअल्टीज होती हैं वो जरूर सपोर्ट मांगता है। ये जो उन्होंने जिस टाइप के टैक्टिक्स उन्होंने यूज किए हैं इस अर्बन एरिया में, मेरे हिसाब से उन्होंने जो अपने एरियल रिसोर्सेज, एयरफोर्स के रिसोर्सेज ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं किए हैं, तो नेचुरली उनकी कैजुअल्टीज बहुत ज्यादा हैं, वेव टैक्टिक्स उन्होंने यूज किए हैं, प्रिजनर्स को यूज किया है। और वहीं डोनेस्क में रूस ने इस्कंदर मिसाइल का अटैक किया है, इस्कंदर मिसाइल अटैक में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है, डोनेस्क में जॉर्जिया के 7 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है, रूस का दावा है, मिसाइल अटैक में विदेशी हथियार भी तबाह हुए हैं, रूस का दावा। तो देखिए, एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक्स का सिलसिला जारी है, और बाखमुत की जंग इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कहा यह जाता है कि डोनबास रीजन पर अगर पूरी तरह से कब्जा जमाना है तो बाखमुत पर कब्जा बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो ताजा बयानात सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 80% बाखमुत पर रूस का कब्जा हो चुका है, अब 20% की 20% की जंग वहां पर बची हुई है, और इस बीच ताबड़तोड़ अटैक्स हो रहे हैं, इस्कंदर अटैक, विदेशी सैनिकों की मौत, इसकी पूरी डिटेल आपको दे दें, क्योंकि डोनेस्क में रूस की तरफ से ये बहुत बड़ा हमला अंजाम दिया गया है, इस्कंदर मिसाइल से भीषण अटैक हुआ है, मिसाइल हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर सामने आ रही है, जॉर्जिया के 60 सैनिकों की मौत हो गई है, ये रूस दावा कर रहा है, अगर ये दावा सही है तो हाहाकारी है, 20 और विदेशी भाड़े के सैनिक घायल हुए हैं ये रूस बता रहा है, 15 आर्म्ड व्हीकल्स पूरी तरह से तबाह कर दिए गए इस हमले में, मिसाइल हमले में एक लाइब्रेरी जो यहां पर मौजूद थी वो भी बर्बाद हो गई है, लाइब्रेरी में गोला बारूद छिपाकर रखा गया था, ये रूस दावा कर रहा है, यानी ये बताने की कोशिश की हमने किस वजह से इन ठिकानों को, इन सिविलियन ठिकानों को निशाना बनाया है। डॉक्टर घोष हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर घोष, ये लगातार देखने को मिल रहा है, खबर तो यही आती है कि सिविलियन इलाकों पर रूस ने हमला कर दिया, लेकिन बाद में यह पता चलता है कि इन सिविलियन इलाकों में जो इमारतें हैं वहां पर आम लोग नहीं बल्कि यूक्रेनी जवान रह रहे थे। अब लाइब्रेरी का किस्सा सामने आ रहा है जहां पर गोला बारूद छिपा कर रखा गया था, उसे ध्वस्त किया रशिया ने, कैसे देखते हैं इसे? यही तो बड़ी बात है, हर वक्त ये जो वेस्टर्न मीडिया है और यूक्रेनियन मीडिया है ये कह रही है कि देखिए हमारे रेजिडेंशियल एरिया में बमबारी हुआ है, इतने सिविलियंस हताहत हुए हैं, इतने लोग मारे गए, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि जब रूस अटैक करता है
जहां जहां अटैक करता है वहां पर इंटेलिजेंस रहता है कि सैनिक लोग हैं, कुछ बमबारी बॉम्ब फैक्ट्रीज हैं वहां पर, सैनिकों को वो किया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है इस। और जैसे आपने कहा ये लाइब्रेरी में भी उन्होंने बम और ये सब छिपा के रखे थे, तो ये एक बहुत बड़ा डिसेप्शन है जो इस युद्ध में हर वक्त दिखाई दे रहा है, और ऐसा ये चलेगा। और जैसा मैंने पहले कहा था कि इस्कंदर मिसाइल के माध्यम से ये जो पूरा अटैक्स होगा ये बढ़ता ही जाएगा, तो और कई लोगों के हताहत होने का इसमें रिजल्ट आएंगे। ठीक है, और देखिए एक और अपडेट है, तस्वीरें सामने आई हैं रूसी कब्जे वाले लुहांस्क में मिडनाइट स्ट्राइक। जी हां, रूस के फ्यूल डिपो पर यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ है। रेकी के बाद रोवेंकी फ्यूल डिपो पर ड्रोन से स्ट्राइक, विस्फोट के बाद धू धू कर जल उठा ये फ्यूल डिपो। खुफिया इनपुट मिलने के बाद यूक्रेन का ये ड्रोन अटैक हुआ, ये तस्वीरें आप देखिए। त्रिपाठी साहब, ये बहुत ही अलग तस्वीर है क्योंकि मुझे जहां तक याद है जब शुरुआती हमले हो रहे थे रूस के, तो रूस की तरफ से जितना एनर्जी सोर्स था यूक्रेन को उसको डैमेज किया जा रहा था। अब हम देख रहे हैं कि यूक्रेन भी उसी पैटर्न पे जा रहा है, चाहे उनके ऑयल डिपोज हों, चाहे दूसरी सप्लाई चेन्स हो, उन पर वो अटैक कर रहा है। ये जो जो डेयर है या ये जो न्यू स्टेप या कह लें, ये क्या बता रहा है, ये क्या दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक तो लग रहा था यूक्रेन के पैर उखड़ रहे हैं, लेकिन अब देखिए ये जो एस्केलेशन हो रहा है टैक्टिक्स में, ये हो रहा है नेटो द्वारा मिली हुई सप्लाई, जो सप्लाई मिल रही है आर्म्स एंड एम्युनिशंस की, अब और बेहतर क्वालिटी की, उसकी वजह से। जहाँ तक रही बात इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट की, तो मैं नहीं मानता कि इस पर रशिया पर लॉन्ग टर्म कोई इफेक्ट होगा, इसलिए कि रशिया के पास अभी इनफ ऑयल है, फ्यूल तो काफ़ी है, और उसकी जो एम्युनिशन फैक्ट्रीज हैं वो भी दिन रात काम कर रही हैं। मैं सिर्फ पैटर्न की बात कर रहा था कि उनके सप्लाई चेन हो या उनके एनर्जी सोर्स, उनको भी अब टारगेट करने की शुरुआत, ये मैं हाँ, लेकिन वो कितने आगे तक खुद को बचाने की बात हो रही, वो कितने आगे तक जा पाएंगे, वो तो अभी टेरिटोरियली तो यूक्रेन में ही हो रहा है। दिवेदी सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि यूक्रेन बार बार ये कहता है कि मेरे पास हथियारों की कमी है, जितनी मात्रा में हथियार मिलने चाहिए नहीं है, ऐसे में आप कम रिसोर्सेज से रूस के एनर्जी सेक्टर, उनके डिफेंस सिस्टम, जहां जहां आप ज्यादा टारगेट करके उनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो जो लड़ाई दो पहलुओं में लड़ी जाती है, एक स्ट्रेटजिक पहलू, जी स्ट्रेटजिक पहलू जब आप ऐसे टारगेट लेते हैं जहां एनर्जी है, डिपोज है, और दूसरा होता है ऑपरेशनल, जब आप ऑपरेशन लड़ाई लड़ते हैं, ऑपरेशन लड़ाई के लिए आपको काफी हथियार चाहिए, स्ट्रेटजिक के लिए आप मिसाइल के यूज कर सकते हैं, आप थर्ड डिग्री मेथड यूज कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब रेगुलर फौजी लड़ती हैं तो वो लड़ाई काफी क्लीन होती है, जब इरेगुलर लड़ते हैं तो डर्टी वॉर हो जाती है, तो इस टाइम जो ये डर्टी वॉर चल रही है, डर्टी वॉर चल रही है सर जी। मिशन 30 अप्रैल पर यूक्रेन का बहुत बड़ा प्लान सामने आया, पहली बार निप्रो नदी के पार पहुंचे यूक्रेनी सैनिक। जी हाँ, ये पहला मौका है, खेरसोन के दक्षिणी हिस्से से नागरिकों को रशिया हटा रहा है, क्रीमिया पर हमले के लिए यूक्रेनी फौज की ये रणनीति सामने आ रही है, क्रीमिया को वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं ज़ेलेंस्की, और अब मौजूदा कदम, ताजा कदम ये बताने के लिए काफी कि वो इस प्लान पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो यूक्रेन का ऑपरेशन 30 अप्रैल, हालांकि देखिए इस तारीख को लेकर, इस ऑपरेशन को लेकर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय बिल्कुल अलग है, लेकिन बात यही है कि कहीं ना कहीं ये एक इशारा है कि एक बड़ी तैयारी हो रही है, एक बड़े ऑफेंस की तैयारी हो रही है, वो कब होगी क्या होगी उसकी बात अलग है, लेकिन जो तस्वीरें हम तक आ रही हैं वो बहुत कुछ इशारा कर रही हैं। तो यूक्रेन का ऑपरेशन 30 अप्रैल, ये भी जरा देख लेते हैं, पहली बार निप्रो नदी पार पहुंचे यूक्रेनी सैनिक, एक इंडिकेटर तो ये है कि तैयारी चल रही है किसी बड़ी चीज की, और दूसरा क्रीमिया में डेजर्ट स्टॉर्म की तर्ज पर यूक्रेनी ऑपरेशन का प्लान तैयार किया जा रहा है, रूस खेरसोन के दक्षिणी हिस्से से नागरिकों को हटा रहा है, यानी उसको भी अंदेशा है कि यहां कुछ होने वाला है, और ज़ेलेंस्की ने कहा कि क्रीमिया को वापस लेकर रहेंगे, वही रेड लाइन जिसको लेकर पुतिन बार बार कहते रहे कि बड़ा सेंसिटिव मामला है, लेकिन अभी भी ज़ेलेंस्की का स्टैंड वही है, वो बार बार कह रहे हैं कि क्रीमिया पर हमला करेंगे, क्रीमिया को हम वापस लेंगे, ये अपने आप में एक
कह सकते हैं कि लगातार प्रोवोकेशन है। घोष सर, आप इसको कैसे देखते हैं? सारी चीजें हो रही हैं, सब कुछ हो गया, सारी धमकी, वार्निंग, अटैक हो गया, लेकिन ज़ेलेंस्की कायम है कि क्रीमिया का जो ऑपरेशन है वो हम करके रहेंगे। अभी एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं र्यूमर चल रहा है, आपने 30 अप्रैल का काउंटर अटैक की बात की, लेकिन ये तो मैंने पहले भी कहा है कि कोई सेना ढंडोरा पिटाकर अटैक नहीं करता है, वो तो कोई दूसरे ही मतलब अप्रैल और कोई दिन बाद या पहले, लेकिन अटैक होगा। और जहां तक हमारा ख्याल है वो एक तो खेरसोन में हो सकता है और क्रीमिया में भी हो सकता है, और तीसरा जो है वो ज़ापोरिज़्या में हो सकता है, इसलिए क्योंकि यूक्रेन को ज़ापोरिज़्या चाहिए और वहाँ का जो न्यूक्लियर प्लांट है जो अभी तक रूस के दबदबे में है, लेकिन काम तो यूक्रेनियन यानी यानी वो 30, शायद यानी सर 30 अप्रैल को अटैक तो होने वाला है, लेकिन वो अटैक कितना बड़ा होगा रूस पर ये देखना होगा, क्योंकि महज अब 5 दिन और बचे हैं। 30 अप्रैल को यूक्रेन ने कहा है कि वो रूस पर बड़ा अटैक करने वाला है।